आज वॉर जोन में हम आपको बताएंगे कि मशरक वस्ता में वसी जंग के इम्कानात बढ़ गए हैं, ऐसे में अमरीका का किरदार बहुत अहम होगा। आज हम आपको बताते हैं कि अमरीकी फौज खित्ते में कहाँ कहाँ मौजूद है। मशरक वस्ता में हजारों मील दूर अमरीकी बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज मौजूद हैं। सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों? क्योंकि अमरीका ने दुनिया में खुद को एक आलमी पुलिस मैन का किरदार सौंप रखा है और मशरक वस्ता एक अहम खित्ता है जहाँ से आलमी बहरी तजारती रास्ते गुजरते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मकसद इसराइल का दिफा है। अमरीकी बैंक में दिफा के मुताबिक अमरीका के 34,000 से ज्यादा फौजी मशरक वस्ता में मुख्तलिफ ममालिक में तैनात हैं और 7 अक्टूबर के बाद इसमें 6,000 का इजाफा भी कर दिया गया था। अमरीका ने सन 1945 में सऊदी शहर अल जहरान में इस खित्ते में अपना पहला फिजाई अड्डा बना लिया था। मशरक वस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा अल उदीद एयरबेस है। ये एयरबेस कतर में वाक़ है जो कि सन 1996 में बनाया गया था। कतर के अलावा जो अमरीकी एयरबेसेज हैं वो बहरीन, कुवैत, मुत्तहद अरब अमारात, शाम, उर्दन, मिस्र, तुर्की, कब्रस और इराक में भी अमरीकी फौजी मौजूद हैं। इस सिलसिले को अगर हम मजीद आगे बढ़ाते हैं तो अमरीकी बहरिया 1940 की रिहाई से खलीज फारस में मौजूद है। साथ ही बहरे अहमर, बहरे रोम और बहरे हिंद में भी अमरीकी बहरी बेड़े मौजूद हैं। ये जो आपके पास विजुअल थे ये इंडियन ओशन के रेड सी और ये आपका मेडिटेरेनियन सी सामने आ रहा है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले खलीज ओमान के करीब मौजूद है जो कुछ ही रोज में यूएसएस ट्रूमैन बहरे रोम के पानियों में अपनी पोजिशन संभाल लेगा।